अगर आपकी गाड़ी में ये दो चीज़ें हैं ना, तो इसको आपको निकाल कर फेंक देना है। वो इसलिए, वो आओ मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इस बात को बोल रहा हूँ। गर्मियों ने अपना प्रचंड रूप दिखा रखा है। दिल्ली में जो टेम्परेचर है वो 50 के आसपास टच करने वाला है, और बहुत सारे ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर गर्मियाँ जो हैं भयंकर पड़ रही हैं। ऐसे समय में आई एम श्योर कि आप अपना ख्याल रख रहे हैं, लेकिन जो हमारी पसंदीदा गाड़ी होती है ना, उसका भी इस गर्मियों में ख्याल रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज़ गर्मियों में जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हो ना, ऐसे पूरा गर्म हवा का झोंका सा आता है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि भाई मतलब सफोकेशन सी फील होने लग गई। तो आज की ये वीडियो जो है ये बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको इस समर्स ख्याल रखनी चाहिए। आपको अपनी एसी को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, गाड़ी के रख रखाव में ओवरऑल किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि जो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उस पर कोई फर्क ना पड़े, या गाड़ी ब्रेकडाउन वाली जो प्रॉब्लम होती है ना, वो सारी चीज़ें ना हो। तो चलिए वीडियो की फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं। अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है सत्यम, जो हर हफ्ते आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता है, गाड़ियों के रिव्यूज़ लाता है, और कोशिश करता है कि आपके हर सवाल का जवाब दे सके जो रिलेटेड है गाड़ियों से। तो आगे बढ़ने से पहले, जो हमारा रेडियो सिटी इंडिया यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लेना एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए जी वीडियो की फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं। अब देखिए क्या है कि गर्मियों में जो है ना, सबसे पहला प्रयास तो आपको ये करना है कि अगर आप गाड़ी कहीं खड़ी करते हैं ना, तो ट्राई एंड पार्क योर कार इन अ शेडेड एरिया, जिसे गाड़ी के अंदर जो केबिन का टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा हाई ना हो। क्योंकि जब आप ऐसी ओपन जगह पर खड़ी करते हैं ना, तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा रीज हो जाता है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपनी गाड़ी के लिए ज़रूर रख सकते हैं, आइए वो भी मैं आपको बताता हूँ और दिखाता भी। तो भाई पहली जो चीज़ है वो है सनशेड। सनशेड टेक्निकली लीगली जो है वो आप गाड़ी में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन तब जब आपकी गाड़ी चल रही है। लेकिन गाड़ी अगर इस तरीके से पार्क्ड है ना, तो आप इस तरीके के सनशेड्स का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर कर सकते हो। ये जो सनशेड्स हैं आपको कंपनी से भी मिल जाते हैं, आफ्टर मार्केट एक्सेसरी के तौर पर भी आप ऐसे सनशेड्स को यूज़ कर सकते हो, और चारों ही शीशों के लिए पीछे वाले जो ग्लास एरिया है उसके लिए भी इस तरीके के शेड्स आते हैं। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि इसको लगा करके चलना जो है वो चलानेबल ऑफेंस है, आपका फाइन जो है वो कट सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप गाड़ी पार्क करते हो ना, इस तरीके के शेड्स आप रख सकते हो। अगर ऐसा हो रहा है कि डायरेक्ट सनलाइट में कहीं आपको पार्क करना ही पड़ रहा है मजबूरी में, तो इस चीज़ को आप ज़रूर रखो। तो ये आप इस तरीके से विंडोज में लगा सकते हैं, जिससे जो आपकी गाड़ी है वो प्रोटेक्ट होगी। आइए एक चीज और मैं दिखाता हूँ आपको, जो समर्स में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। इस तरीके का जो है ना विंडशील्ड के लिए प्रोटेक्टर आपको मिल जाता है, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि ये जो सन लाइट है ना, डायरेक्ट सन रेज जो पड़ती हैं उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, और ओवरऑल कैबिन में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। गाड़ी अंदर ठंडी तो नहीं रहती मैं ये कहूँगा, लेकिन कंसिडरेबली एक अच्छा अमाउंट ऑफ हीट को जो ये चीज़ है ये प्रोटेक्ट करता है। तो अगर फ्रंट से आप मान लीजिए कि धूप आ रही है, तो इस तरीके के जो शेड्स हैं इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको लगा कर तो भाई कोई क्या ही चलाएगा, बट इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करिए। तो ये हो गई दो चीज़ें जिसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है, जो मेरे पास अभी नहीं है पर हम सबके पास घर में होती है, वो है कॉटन का टॉवल। ज़रूर आप लें। अगर आपकी गाड़ी में लेदरेट सीट्स है ना, तो भाई वो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। यहाँ पर फैब्रिक और लेदरेट में बड़ा डिफरेंस आ जाता है। फैब्रिक सीट्स हैं तब तो ठीक है, लेकिन लेदर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ऐसे समय पर जो ड्राइविंग सीट है उसके ऊपर टॉवल आप ज़रूर लगा कर रखें, और ड्राइव करने से पहले उस टॉवल को आप रिमूव कर दें, ताकि तसल्ली से आप बैठ सकें। वरना वो बैठते ही वो वाली फील आती है ना, ये सब जल गया, वो वाली फील नहीं आएगी। तो ये तीन वो चीज़ें हैं जो ज़रूर आपको गाड़ी में रखनी चाहिए। बाकी और क्या टेक्निकली गाड़ी में चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, आओ वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ जी, तो ये जो चीज़ है इसको एक तरीके से इंजन भी कहते हैं टेक्निकली, लेकिन पूरा इंजन हमें नहीं समझाना है। सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है यहाँ पर, इसको कहते हैं कूलेंट। कूलेंट का काम, जैसा कि नेम ही इसका बताता है, कि ये गाड़ी में गाड़ी का जो पूरा इसका टेम्परेचर है इसको मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो टाइम टू टाइम ना अपनी गाड़ी का कूलेंट आप चेक करते रहो। दो तरीके के कूलेंट आप जनरली देखते हो, एक ब्लू कलर का और दूसरा ये जो रेड कलर का डला है। अगर आप पास आओगे तो यहाँ पर देखोगे ये कूलेंट का जो बॉक्स होता है ना, यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम का जो है ये लेवल होता है। अगर ऐसा भी होता है कि गाड़ी की सर्विस को कुछ टाइम हो गया है, आपने नहीं ध्यान दिया, तो इसको ज़रूर आप खोल कर चेक कर लिया करो।
ये जो इसका लेवल है यहाँ मैक्स पर होना चाहिए, ये इसके मिनिमम से नीचे ना हो। अगर ये नीचे होगा तो गाड़ी ओवरहीट होगी, गाड़ी बंद भी हो सकती है, कई बार कुछ ऐसा लोग कहते हैं कि इंजन सीज भी हो सकता है। और इसमें पानी ना ही डालो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें पानी डालते हो तो पूरा रेडिएटर में जो है पानी जा सकता है और उसकी वजह से कोरोजन हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ गाड़ी के अंदर जो है आपको एसी फिल्टर लगा होता है, एसी फिल्टर को भी टाइम टू टाइम क्लीन करना ज़रूरी है। अगर ऐसा है कि आपकी गाड़ी की सर्विस को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है तो लोकल किसी भी मैकेनिक के पास आप जा कर के एसी का फिल्टर निकलवाओ, उसको साफ़ करवाओ। अगर ज़रूरत पड़ती है तो एसी फिल्टर रिप्लेस कराओ, फिर गाड़ी चलाओ, जिससे जो आपका केबिन का अंदर टेम्परेचर है वो बढ़िया बना रहता है, इफ़ेक्टिव कूलिंग होती है। बाकी एक चीज़ और है जिसका आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, अगर आपकी गाड़ी में ये दो चीज़ें हैं ना तो इसको आपको निकाल कर फेंक देना है। वो इसलिए, वो आओ मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इस बात को बोल रहा हूँ। अगर आप गाड़ी की सीट पर इस बोतल को ऐसे रख देते हैं ना, तो आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि ये जो पानी है बोतल में, ये मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करता है, और डायरेक्टली अगर कहीं सनलाइट पड़ती है ना तो इसके थ्रू जो सन रेज होकर गुजरती हैं वो सीट के ऊपर पड़ती हैं, जिससे गाड़ी में आग लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दूसरा, ये जो लाइटर है, लाइटर को भी अपनी गाड़ी से निकाल के आप बाहर ही रखें, क्योंकि इसके बर्स्ट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये वाली जो चीज़ मैंने बताई, ये तो एक साइंटिफिक प्रूफ है, आप इसके वीडियोस जो है चेक कर सकते हैं कि क्यों पानी की बोतल ऐसे सीट पर नहीं रखनी चाहिए, ताकि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े और ये मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक्ट। तो चलिए जी, अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपकी गाड़ी की कूलिंग को इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, या कैसे क्विकली आप अपनी गाड़ी को कूल कर सकते हैं। तो आजकल मोस्टली गाड़ियों में पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन जो है वो आता है, सनरूफ का भी ऑप्शन आता है, तो इसके लिए कई गाड़ियों में चाबी से खुल जाता है, मेरी गाड़ी में चाबी से खुल जाता है, तो मैं दिखाता हूँ। आपने इस तरीके से बटन प्रेस किया और जो सनरूफ है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से जब सनरूफ ओपन होती है ना, तो चूंकि गाड़ी के अंदर हॉट एयर होता है, तो हॉट एयर की टेंडेंसी होती है कि वो नीचे से ऊपर की तरफ राइज करता है। तो जब इस तरीके से आप गाड़ी को ओपन कर देते हैं, मतलब पैनोरामिक सनरूफ को या सनरूफ को ओपन कर देते हैं, तो जो हॉट एयर है वो निकल जाती है इसमें से, और मतलब कुछ सेकेंड्स के अंदर ही जो गाड़ी है वो बैठने लायक हो जाती है बहुत तेज। तो सनरूफ आपने खोल दिया, गर्म हवा जो है बाहर निकल गई, फिर भी अगर कुछ गर्म हवा रह जाती है अगर, तो आपको गाड़ी के दरवाजों को इस तरीके से खोलना है और इस तरीके से इसको मूव करना है। जब आप इस तरीके से मूव करते हैं तो अगेन गाड़ी की जो अंदर जो गर्म हवा होती है वो बाहर की तरफ आती है, और बाहर के हिसाब से ही जो टेम्परेचर अंदर है वो मेंटेन हो जाता है, क्योंकि गाड़ी के अंदर जब हम बैठते हैं तो वो टिन है, तपता है अंदर से, और बाहर जो है कंपैरेटिवली थोड़ा कम टेम्परेचर होता है। तो ये है दूसरी चीज़ जो आपको ख्याल रखनी है। अब आता है कि जब आप गाड़ी में मान लो बैठ जाते हो, तो गाड़ी में बैठ करके आपको एसी सेटिंग्स को किस तरीके से ऑन करना है। पर इससे पहले कि आप एसी सेटिंग्स ऑन करो, एक चीज़ और करना है आपको, और मैं बताता हूँ आपको। आपके गाड़ी के जो विंडोज़ हैं, ये हमने धूप से बचने के लिए लगाया तो इसको हटा लेते हैं, गाड़ी के विंडोज़ हैं, आपको चारों जो विंडोज़ हैं उसको पूरे तरीके से इस तरीके से रोल डाउन कर देना है। उसके बाद एसी की सेटिंग क्या रखनी है, आओ गाड़ी के अंदर। तो जी, अब हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर आपको किस तरीके की सेटिंग करनी है, अगर आपका इस तरीके का मैनुअल एसी है ना, तो ये गाड़ी में रीसर्कुलेशन मोड का बटन होता है। अगर ऐसा है कि गाड़ी के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है बाहर के कंपैरिजन में, तो ही आपको ये करना है कि गाड़ी का रीसर्कुलेशन मोड आपको इस तरीके से ऑफ कर देना है, और एसी को इस तरीके से आप फुल ब्लास्ट पर इस फैन को चला लो। और जैसा मैंने बताया था कि गाड़ी के चारों शीशे जो हैं वो रोल डाउन होने चाहिए, तो जितना गर्म कंटेंट है वो निकल जाता है और गाड़ी के शीशे से वो बाहर निकल जाएगा। तो इस सेटिंग पर जो है आप इसको कुछ सेकेंड्स के लिए छोड़ दें। उसके बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप आपको ये करना है, आप चाहें तो गाड़ी का एसी जो है वो इस तरीके से ऑफ़ कर दें, मतलब फ़ैन ऑफ कर दें, गाड़ी को स्टार्ट करें, और गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद इसी सेटिंग के ऊपर यानी रीसर्कुलेशन मोड को ऑफ करके जो है पैरों में आपको हवा करनी है, जिससे कि नीचे बची जो गर्म हवा है अगर कुछ ऐसा है तो वो भी बाहर की तरफ निकल जाए, शीशे आपके खुले रहेंगे इस सिचुएशन में। मैंने शीशा बंद कर दिया था कि बाहर से शोर ना आए, शीशे आपके इस तरीके से खुले रहेंगे, ये शेड्स आप हटा दें, बिकॉज ऑब्वियसली चलते हुए शेड्स लगाएंगे तो फाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो गर्म हवा है वो अब सारी निकल गई। उसके बाद आपको जब एक दो मिनट आप इस सेटिंग पर रखते हैं, उसके बाद आपको वापस से फ्रंट वाला जो ये सेटिंग है इसको ऑन कर लेना है, और उसके बाद ठंडी ठंडी हवा जो है आपको मिलने वाली है, और जो आप नॉर्मली फील किया करते थे ना कि गाड़ी में आप बैठते थे और गाड़ी आपकी तप रही होती थी,
तो इन तरीकों से जो आपकी गाड़ी है, जो मतलब अंदर बैठने का पूरा एक्सपीरियंस है, वो बहुत लाजवाब होने वाला है। तो भाई ये वो तरीके हैं जिनसे आप इस गर्मी में जो है बच सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जिसका गर्मियों में आपको ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि गाड़ी में जो टायर्स होते हैं, टायर का एयर प्रेशर। आप तेल तो हर बार डलवाते हो गाड़ी में, लेकिन गाड़ी के टायर्स का एयर प्रेशर चेक नहीं करवाते हो। ज़रूर आप चेक करवाओ, स्टिपनी जो है उसका भी टायर प्रेशर आप एकदम अप्रोप्रिएट रखना। इसके साथ ही साथ ये ज़रूरी है कि गाड़ी की टाइमली आप सर्विस कराते रहना, गर्मियों में खास तौर से। और अगर आपके पास CNG व्हीकल है, मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी में CNG व्हीकल कंपनी फिटेड नहीं भी है, अगर ऐसा भी है, तो आप अपने लिए एक फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो ज़रूर रखना। वो कभी ऐसी अनलाइकली सिचुएशन हुई कि छोटा मोटा स्पार्क हुआ या कहीं से अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो इमिडिएटली आप उन चीज़ों पर काबू कर लो। तो ये हैक्स तो नहीं है, पर मैं इतना बोलूँगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ख़ास तौर से अगर आप दिल्ली NCR या ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ये तो तमाम सारे तरीके हैं ना, ये मिलकर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आपने एक चीज़ ट्राई की और बोला कि भाई आपने जैसा बताया था हमने किया, कार तो ठंडी हुई नहीं, बट नहीं है, एक दो कोई तरीका काम नहीं आने वाला। जो स्टेप्स मैंने बताए, जो तरीके मैंने बताए, उस तरीकों को ज़रा सिक्वेंस में फॉलो करिए और फिर आप खुद डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस नज़र आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप किस तरीके का कॉन्टेंट चाहते हैं आप वो भी मुझे अपनी राय बता सकते हैं कमेंट्स में। ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो हमें एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा। बाकी गाड़ियों से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो हम आपके लिए आगे भी लेकर आते रहें, इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी थोड़ी मोटिवेशन हो, थोड़ी हौसला अफजाई हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ योर होस्ट सत्यम साइनिंग ऑफ एंड यू ड्राइव सेफ।